हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन करवाएंगे 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, देखिए, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा, इसको हमें सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर इसको सिद्ध करना है। ओके, तो बच्चों LHS साइड को देखेंगे हम। LHS पक्ष से साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, इस तरह क्यों बदला मैंने इसको, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ इस तरह से करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन बना हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह करके लिख सकते हो आप। ओके, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बच्चों ये हो जाएगा ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मान बच्चों आपको पता है, ये 1 होता है, ये तो 1 हो गया, इनटू इसको लिख लूँगा मैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना, स्क्वायर का स्क्वायर करने से पावर 4 हो जाएगी। ओके, अब मुझे इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो समान संख्या जोड़ देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ही क्यों करा, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो करने के लिए मैंने ये किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको 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 मिलाएं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको और इसको देखें तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से संख्या हो गई है। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इनटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है RHS पक्ष के बराबर। ये किसके बराबर आ रहा है, RHS पक्ष के बराबर, नोट कर लीजिए इसको इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका, देख लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो LHS पक्ष से देखिए, LHS पक्ष से tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करें कि बच्चों साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 माइनस कोट को लिख लेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, 1 माइनस ये प्लस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अच्छा जी एलसीएम ले लीजिए इसका। इसका ये तो हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो इधर लिखा जाएगा साइन थीटा
माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ पे कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे इसका लघुत्तम कोस थीटा आएगा, तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा इस पूरे के बटे ऐसे लिखा गया है। अब आप इसको डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई में बदल लीजिए, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू ये कोस ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा मल्टीप्लाई ये कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके यहाँ पे ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ऐसे ठीक है। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर से इसके एलसीएम नहीं, इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ रहा है, ठीक है ओके। यहाँ पे भी माइनस था तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस साइन होगा, ये माइनस साइन होगा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं हम यहाँ से, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं। देखिए कैसे, वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन कर लो, कर लिया, यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन किया है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, बराबर वन बाय साइन थीटा कोस थीटा, इसका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लघुत्तम आ गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ठीक है यहाँ पे बन गया साइन क्यूब थीटा, ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ओके ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने के बाद अब आप एक बार फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए बच्चों यहाँ देखिए, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक ओके। तो इस पर ये तो रहेगा वन बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब इस पर फॉर्मूला लगा दो, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे, इसके बटे में है कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, ओके। एक बटे साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को वन लिख लें, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में, ओके। ठीक है इतना नोट करिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे कर रहा हूँ, हो गया। देखिए तो यहाँ पे कॉमन लिया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन लिया था मैंने यहाँ पे, तो देखो साइन थीटा इसको मैं ऐसा करता हूँ, वन को भी मैं इसको इसको मिटा देता हूँ इस स्टेप को, ये स्टेप रहने दो, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचने वाला है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और बटे में है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, हम आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वैसे तो हम इसको वन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, बट वन रखने से ये आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको यहीं रहने देंगे और सबके बटे में अलग अलग भाग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, लघुतम को सबके साथ अलग अलग कर देंगे। कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा साइन बटे कोस। यहाँ पे देखो बच्चा क्या बचा, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा वन। साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा। कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा प्लस वन। दिस इज आर एच एस, इस तरह से ही आर एच एस के बराबर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दो बार करके देखिए, सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा, साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोट थीटा बराबर प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, बराबर प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, देखते हैं, LHS साइड को देखिए, LHS पक्ष से साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। साइन कोस में चेंज कर लीजिए, साइन थीटा वन प्लस इसको लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ओके, यहाँ पे इसको लिखेंगे कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट को कोस बटे साइन लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा प्लस साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ओके, तो बच्चों हमें लाना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, कोस थीटा साइन थीटा सबका लघुतम कर लेते हैं, सबका लघुतम कितना आ रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बनेगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा बनेगा, ये इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये इससे कट जाएगा तो कोस क्यूब थीटा बनेगा। अच्छा, यहां से इसमें सर, इसमें से मैं कुछ कॉमन निकालूं कोस थीटा को, देखिए इस पद में से और इस पद में से मैं कोस थीटा बाहर कर लेता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इस पद में से इस पद में से मैं साइन थीटा कॉमन कर लेता हूं तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके भाग में, इसके भाग में है साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा, यहाँ बचेगा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, तो आप लिखेंगे इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, लिखा जाएगा ऐसे।
अलग अलग भाग कर दीजिए। कोस थीटा में लघुतम को भाग करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा में लघुतम का भाग करेंगे साइन थीटा कोस थीटा। ओके, कोस से कोस कैंसिल, वन बाई साइन थीटा बचा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, वन बाई कोस थीटा बचा। तो भाई वन बाई साइन क्या होता है? कोसेक थीटा, और वन बाई कोस क्या होता है? सेक थीटा। दैट्स आंसर, यही आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर प्रूव करना है सेक थीटा के। तो एलएचएस पक्ष को लिख लीजिए एक बार, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, साइन कोस में चेंज करो, साइन कोस में चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, टेन को बदल देंगे साइन बटे कोस, ओके, इंटू साइन थीटा, ये कोस क्यूब ही रहेगा। इससे आगे मैं लघुतम लेता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा सबके बटे में, इसके बटे में वन, इसके बटे में वन, तो लघुतम कोस थीटा आने वाला है, ये कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कट गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गया वन, कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस की पावर फोर थीटा बनेगा यहाँ पे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ, व्हाट टू डू नेक्स्ट? यहाँ से और यहाँ से कोस की पावर टू थीटा कॉमन कर लीजिए, बचेगा इस पर साइन स्क्वायर थीटा, इसका बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा अलग से बटे कोस थीटा। लिखा जा सकता है, देखो इस पद में से और इस पद में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बच गया। ओके, ठीक है, तो भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, तो ये तो मेरे को प्रूव करना है, तो मैं इसको लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। ओके, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन, वन बाई कोस थीटा, वन बाय कोस थीटा, और ये हो जाएगा सेक बराबर आरएचएस, बराबर आरएचएस हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, टेन थीटा बाई वन माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन है, टेन थीटा बाई वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा प्रूव करना है वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के। इसको क्या प्रूव करना है? वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के, ये आपको आंसर लाना है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये एलएचएस पक्ष हो गया। ये क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो भाई साइन कोस में बदल लीजिए, सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा, साइन कोस में ही चेंज किया करो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन को लिख दिया
वन माइनस कोट को लिख दो, कोट को लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, ओके, प्लस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ओके। थ्री रो, सो अगेन साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का आया गया एलसीएम, यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम लेंगे तो वन साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा ध्यान से करना है आपको, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका एलसीएम देखो, इसको वन बाय वन लिख सकता हूँ मैं, तो इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा, और यहाँ पर लिखा जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। आगे देखिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ रहा है नीचे साइन थीटा कोस थीटा माइनस में, ओके, प्लस कोस बटे साइन मल्टीप्लाई कोस थीटा ऊपर चला जाएगा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, ये हो गया। आगे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कभी दोबारा तो नहीं आ गया ये, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था थोड़ी देर पहले, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लघुत्तम लेना पड़ेगा अब इसका, इसका इस पे मैंने कॉमन करना पड़ेगा, हाँ अभी कराया था एक क्वेश्चन इसके जैसा, सेम वैसे ही आ रहा है ये, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, वन बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर कर लिया, इसके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा माइनस, देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है यहाँ पे, और मैंने कॉमन किया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ओके, इसका ये मान आया। फिर हम इसको लिखेंगे वन बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू एलसीएम ले लीजिए फिर से कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम कोस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ठीक है, वही स्टेप रिवाइज हो रही है, साइन थीटा माइनस कोस साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, तो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को क्या लिखना है, फॉर्मूला याद है आपको, इसको मिटा रहा हूँ मैं, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बराबर होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं वन बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ओके, बटे बटे कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो भाई साइन थीटा कोस थीटा कट गया माइनस में, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, वन, वन माइनस साइन थीटा कोस थीटा यहाँ बचा बटे कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने बोला क्वेश्चन है ना, आंसर के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, वहाँ पे टेन वगैरह ऐसे कुछ आ रहा था, तो मैंने इसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ही रखा था, अब चूंकि आंसर मुझे ये लाना है तो मैं इसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को वन करके लेके आऊँगा आंसर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को वन कर दिया तो डिवाइड कर दो सबका, वन बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय कोस थीटा साइन थीटा, ये कट के वन हो गया, तो
तो ये तो वन हो गया, प्लस वन बाई कोस क्या हो जाएगा, सेक, और साइन साइन को लिखेंगे कोसेक, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आंसर है। यही प्रूव करना है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, आगे प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और बराबर हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, और इसको साइन कोस को होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके इतना हो गया। अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको मैंने लिखा एक साथ, इनको भी मैं साथ लिखता हूँ, टू साइन ए कोसेक ए, प्लस इसको भी मैं साथ लिख लेता हूँ, टू कोस ए सेक ए, प्लस यहाँ पे बचा है कोसेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे बचा है सेक स्क्वायर ए, देखो वही है, बस मैंने केवल इन संख्याओं को थोड़ा अरेंज किया है ताकि मैं लिख सकूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है, प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए, याद है आपको साइन ए का अपोजिट होता है वन बाई कोसेक ए होता है, और जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैंने बताया था साइन ए इंटू कोसेक ए सबसे पहले वीडियो में इस चैप्टर के बराबर वन होता है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि कोस ए बराबर वन बाई सेक ए होता है, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस में तो कोस ए इंटू सेक ए बराबर वन होता है, तो यहाँ पर आ रहा है ना साइन ए कोसेक ए वन, कोस ए सेक ए वन, ठीक है कि नहीं, तो ये 1 इंटू टू टू हो जाएगा, ये भी 2 2 हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसकी भी एक प्रमेय मैंने बताई थी सरसमीका, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बताया था, ये दो मैंने सरसमीका आपको बताई थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ऐसे बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो हो गया 2 2 4 1 5, 5 प्लस 5 क्यों करते हो, 5 6 और 1 7, 7 हो गया ना, संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5 और 1 6 7, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, This is RHS, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, समझ आया, तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया है साइन रेज टू पावर 8 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 8 थीटा, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोट की पावर कोस की पावर 8 थीटा, और बराबर आंसर लेके आना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा,
ये आंसर हमें लेके आना है। LHS साइड ये है, ये LHS पक्ष है। बच्चों इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बदलो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बदलो। फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी ए प्लस बी। कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे? देखिए साइन रेज टू पावर 4 थीटा को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा को मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसको मैं a मान लूँ a स्क्वायर, इसको b मान लूँ तो b स्क्वायर बन गया। तो मैं इसको लिखूँगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये साइन रेज टू पावर 4 थीटा a है और कोस रेज टू पावर 4 थीटा b है, ठीक। अच्छा फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ओके, इनटू साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा। बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनटू ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये तो हो जाएगा 1, ये तो 1 हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ओके। तो बराबर में आप लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1, छोड़ो इसको, तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा। अब इसको फॉर्मूला बनाना है, इसको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसमें कुछ संख्या अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी, कुछ संख्या इसमें अपनी तरफ से घटानी पड़ेगी। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देखिए बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर और बी हो जाएगा कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2ab हमें जोड़ना है और 2ab घटाना है, 2ab बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही जोड़ेंगे यही घटाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर साइन की पावर 4 है ना, साइन की पावर 4 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कोस की पावर 4 को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला पद, ठीक। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1, ठीक, और ये एक बचेगा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, ये 1 है, ये 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। यही हमें RHS में प्रूव करना था। देख लीजिए RHS आपके सामने लिखा हुआ है जस्ट वैसे के वैसे। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आपने आज क्वेश्चन नंबर 16 से 22 तक के क्वेश्चन करें, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।